मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर किसी शख्स को बेरहमी से टॉर्चर कर रहा है। ये डॉक्टर उस शख्स के ब्रेन में कोई मशीन फिट करके उसमें से निकलने वाले हार्मोन को इकट्ठा कर रहा है, और जब वो उसके घाव पर नमक डालता है तो उसके अंदर से और भी हार्मोन्स निकलता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर चार फ्रेंड्स के एक ग्रुप को देखते हैं। ये लोग इस जगह पर कैंपिंग करने के लिए आए हैं और अब इन लोगों का टाइम यहाँ पर पूरा हो चुका है, जिसके बाद में अब ये सभी लोग इस जगह से निकल कर अपने घर की ओर चल देते हैं। रास्ते में वो पहले एक गैस स्टेशन पर रुक कर वहाँ पर फ्यूल भरवाने के लिए रुकते हैं। अब इसी दौरान यहाँ पर एक अननोन लेडी आकर निक से हेल्प मांगते हुए कहती है कि उसके कार में फ्यूल खत्म हो गया है, तो क्या तुम मुझे मेरी कार तक के लिए लिफ्ट दे सकते हो। निक उसकी हेल्प के लिए मान जाता है, पर टायलर जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है वो निक के बिना उसे पूछे एक स्ट्रेंजर को लिफ्ट देने के लिए उससे गुस्सा थी। खैर, अब इस अननोन लेडी को कार में बैठा लेने के बाद में वो सभी लोग फिर से अपने रूट की ओर निकल जाते हैं, और जल्द ही इस लेडी की कार भी रास्ते में नजर आ जाती है, जिसके बाद में ये लेडी अब कार से उतर जाती है। मगर अचानक से वो लेडी फिर से वापस आकर इन सभी लोगों के ऊपर बेहोशी वाला स्प्रे डालकर इन सभी को बेहोश कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम वो जगह देखते हैं जहाँ पर ये सभी लोग बंधे हुए हैं। अब तभी वहाँ पर कोई शख्स आकर टेलर के फ्रेंड डायन के नाखून को खींच लेता है, जिस पर ये जो भी लोग बंधे हुए थे वो अपने आप को छुड़ाकर जो लोग यहाँ पहले से थे उनसे फाइट करने लगते हैं। मगर सैम नाम का बंदा इन सभी लोगों को बताते हुए शांत करवाता है कि हम लोग भी तुम्हारी तरह यहाँ पर फंसे हुए हैं और हमने बस उस वीडियो के अकॉर्डिंग ये किया। इधर इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि ये लोग किस वीडियो की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद में ये सभी लोग उस वीडियो को देखते हैं जिसमें एक लेडी बता रही होती है कि तुम सभी को से निकलने के लिए मीटर में दिए गए टॉर्चर बार को 100% वो भी 22 आवर से पहले भरना होगा। अब इसे सुनने के बाद में ये सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि किसी को या फिर खुद ही को कोई टॉर्चर करना क्यों चाहेगा, मगर उन्हें ऐसा करना ही होगा क्योंकि इसके अलावा वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। इन सभी के माइंड के पास में एक टूल लगा हुआ है जिससे इनके टॉर्चर होने पर माइंड से केमिकल रिलीज होगा, जिससे इस मीटर का परसेंटेज बढ़ेगा और ये लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। इनमें से एक बंदा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, जिसके बाद में वो इसके खिलाफ जाकर वो अपने टूल को खोलने लगता है, मगर टूल को खोलने के जस्ट बाद ही उसकी मौत हो जाती है। इससे यहाँ पर बचे हुए लोगों को सबक मिलता है कि हमें ये टॉर्चर करना ही होगा, मगर किसको कितना टॉर्चर किया जाना है, इसलिए वो सभी लोग मिलकर एक रूल भी बनाते हैं। रूल ये है कि सभी लोग अपने आप को 6% के लिए टॉर्चर करेंगे, और इस बात के लिए सभी लोग मान भी जाते हैं। अब सबसे पहले ग्रेग नाम का बंदा अपने आप को टॉर्चर करवाने के लिए रेडी हो जाता है, मगर ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है। ग्रेग को एक टेबल पर लिटाया जाता है, उसे लोहे के रॉड से मारना शुरू किया जाता है, और इसके बाद में एक नुकीली चीज से उसके ऊपर स्टैब किया जाता है। मगर जब इन सबसे भी मीटर ज्यादा नहीं बढ़ रहा था तो टायरा नाम की एक लड़की एक नुकीली चीज से उसके घुटने की जो नस होती है उसे काट देती है। इससे ग्रेग को इतना ज्यादा दर्द होता है, मगर इसके बाद में उसका टर्न भी पूरा हो जाता है। अब बारी किसी दूसरे की होती है, मगर प्रॉब्लम यह है कि आगे कौन आए। कोई भी पहले आगे आने के लिए रेडी नहीं हो रहा होता है, जिसके बाद में डायन एक जार को फोड़कर उसके टुकड़ों में नंबर्स लिखकर सबकी बारी लिख देती है। अब सभी लोग रैंडमली एक एक टुकड़ा सिलेक्ट करते हैं, जिसके बाद में सभी लोगों को अपना अपना एक नंबर मिल जाता है, और इसी के अकॉर्डिंग अब इन सभी लोगों को टॉर्चर किया जाना होगा। पहला नंबर सैम का होता है और वो इस समय डर रहा है, मगर रूल्स के मुताबिक उसे टॉर्चर करवाना ही होगा। अब वो एक टेबल के पास जाकर उस पर लेट जाता है। सैम टॉर्चर करवाने के लिए रेडी होता है, जिसके बाद में टोनी एक जलते हुए प्रेस को लाके उसके पेट के ऊपर रख देता है, जिसकी वजह से सैम को बेहद ही ज्यादा पेन होता है। टॉर्चर मीटर में अभी भी कसर बाकी थी, जिसके बाद में सैम एक प्लायर की मदद से उसके नाखून को खिंचवाने को कहता है, और इसी पेन के बाद में रूल के अनुसार अब सैम का टर्न पूरा हो जाता है। देखने में ही लग रहा है कि सैम कितना पेन में है। निक उसके पास में आकर उसे ऐसा करने के लिए उसे थैंक यू बोलता है, मगर अब अगला नंबर निक का ही है। इधर निक की गर्लफ्रेंड टायलर इन सबसे काफी डर चुकी होती है। टायलर इस समय प्रेग्नेंट होती है, मगर निक को ये बात नहीं पता है। अब तभी टायलर को ध्यान आता है कि उसके पास पेन किलर्स हैं, जिसके बाद में टायलर चुपके से निक को ये पेन किलर खिला देती है। अब इसी दौरान यहाँ पर कुछ मेंबर्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्यों ना हम सब मिलकर ग्रेग को ही बचा हुआ टॉर्चर कर दें। कुछ लोग इस बात से एग्री करते हैं, मगर कुछ लोग अपने प्लान पर ही स्टिक रहना चाहते, क्योंकि वो किसी को भी मारना नहीं चाहते। अब प्लान के अनुसार निक को टॉर्चर किया जाना शुरू होता है। उसे काफी देर तक टॉर्चर किया जाता है, मगर बाद में हमें ये पता चलता है कि निक को टॉर्चर करने पर ज्यादा परसेंटेज नहीं बढ़ रहा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने पेन किलर्स खाया था, जिसकी वजह से माइंड ज्यादा केमिकल रिलीज नहीं कर पा रहा। मगर इस तरह बाकियों को ये बात नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, जिसके बाद में अब जिसका अगला नंबर होता है वो अपने आप को टॉर्चर करवाने से भी मना करने लगती है। लेकिन इनको प्लान के अकॉर्डिंग ही स्टिक रहना होगा, जिसके बाद अब बाकी लोग इस
लड़की को जबरदस्ती पकड़कर उसका टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। इस तरफ निक के पास टायलर होती है तो वह उसे माफी मांगते हुए कहती है कि मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। इसी दौरान अब वो ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पर निक अपनी हालत के चलते ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं दे पाता है, मगर इस बात को बाहर से टायरा सुन लेती है। और तभी वो फिर बाहर जाकर सभी से बता देती है कि टायलर प्रेगनेंसी का बहाना बना के बचना चाहती है, लेकिन निक कह देता है कि चिंता मत करो, मैं उसकी जगह ले लूंगा। टायलर इन पेन किलर के बारे में भी सभी को बताती है, जिसके बाद में वो ये पिल्स ग्रेग को दे देती है क्योंकि उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। टायरा बार बार इस बात के लिए मना कर रही थी क्योंकि वो ग्रेग पर ही सारा टॉर्चर करवाना चाहती थी, जिस पर टॉनी उसे गुस्सा होकर उसे घूंसा मार के बेहोश कर देता है। अब टॉर्चर को और बढ़ाने के लिए ये तीन लोग इस खौलते हुए पानी में अपना हाथ डालने का स्टेप लेते हैं। टायलर और टॉनी तो दोनों अपना हाथ डाल देते हैं, मगर डायन ऐसा नहीं कर पाती है। इधर ये दोनों कई बार इस गर्म पानी में अपना हाथ डालते हैं, मगर तभी टायरा आ जाती है और टोनी पर वो हमला कर देती है, जिससे सारा पानी टोनी पर ही गिर जाता है और इस वजह से इतना ज्यादा पेन होता है और टॉर्चर लेवल भी 47 पार कर जाता है। मगर इनके पास अब 5.5 घंटे ही बचे हुए हैं। अब टायरा को ये लोग पकड़कर उसके साथ में टॉर्चर करने वाले थे, मगर टायरा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और उसे कोई नुकीली चीज मिल जाती है, जिससे वो काय पर हमला कर देती है। अब काय के गले की नस कट जाती है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। भले ही टायरा ने यह जानबूझ के नहीं किया, मगर इन सब में टायरा का बिहेवियर ही सबसे रूड था, इसीलिए अब जब उसे टॉर्चर किया जाता है तो उसे बेहद ही बुरी तरह से किया जाता है। एक ग्रेट के जरिए उसके सोल्जर्स को चिप्स की तरह छीला जाता है, इससे उसे बेहद ही पेन हो रहा होता है, मगर पेन की ही तो इन्हें जरूरत है। अब लास्ट में उसके दांतों को भी तोड़ दिया जाता है, जिसके बाद में कुछ ही देर में लेवल अब 84 के ऊपर आ जाता है, मगर टाइम इनके पास में सिर्फ एक ही आवर्स का बचता है। टाइम कम होता है, जिससे बाकी बचा हुआ टॉर्चर अब सभी लोगों को मिलकर एक दूसरे के साथ में ही करना होगा। टोनी इसी दौरान बताता है कि जब वो किड था तो खेलते वक्त उसका कॉलर बोन टूट गया, जिससे उसे बेहद ही असहनीय दर्द हुआ, और इसी दर्द को फिर से सभी के साथ फिर से एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ सभी एक दूसरे के कॉलर बोन पर मारना शुरू कर देते हैं, जिसके कुछ ही देर बाद अब आखिरकार ये जो लेवल है वो आधा घंटा पहले ही 100% कंप्लीट हो जाता है। अब फिर से वो वीडियो वाली लेडी आती है, जो सबसे बताती है कि आपका टास्क पूरा हो गया, आप सभी लोग अब आजाद हो। सभी लोग अब बाहर जाने लगते हैं और निकिता टेलर को छोड़कर बाहर चला जाता है। बाहर निकलते ही वो देखता है कि यहाँ पर सभी लोग मरे पड़े हुए हैं और ये जो भी यहाँ पर हो रहा है वो सैम ने ही मिलकर करवाया है। सैम टोनी के पेट में स्टैब करके यहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद निक भी उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए जाता है। इधर हम देखते हैं कि टायलर ग्रेग को घसीटते हुए उसे यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करती है, जहाँ उससे बात करने के दौरान उसे पता चलता है कि वो यहाँ की जासूसी करने आया था, लेकिन इसके बाद वो यहाँ पर ही कैद हो गया। अब इन सबके बाद में यहाँ ग्रेग की मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद कोई साउंड बजने लगता है, जिसके बाद में ये मीटर फिर से जीरो हो जाता है। इधर निक सैम के पास आकर उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिसके बाद लड़ाई करने के बाद में निक सैम को चाकू से स्टैब करके उसे मार देता है। इधर अंदर टायलर फिर से यहाँ फंस चुकी है, जिसके बाद में वो अब अपने आप को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। टायलर ही एक ऐसी थी जिसे सबसे कम टॉर्चर किया गया था, मगर उसकी किस्मत के चलते उसे फिर से अब टॉर्चर होना पड़ेगा। मगर इसी सब के दौरान अब यहाँ पर टायलर की भी मौत होती है। इधर निक अपने आप को बचाते हुए यहाँ से बाहर निकलता है। अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ निक बिल्कुल सही सलामत है, मगर उसे टायलर की याद हमेशा आती रहती है। अब तभी उसे वही गैस स्टेशन वाली लेडी दिखाई देती है। निक उसका चुपके से पीछा करता है, जिसके बाद में वो अब उसको पकड़ लेता है। आखिरकार अब आगे क्या होगा इसका अंदाजा आप लोग खुद ही लगा सकते हैं, और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2011 की एक टॉर्चर से भरी हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।